हर फिल्म्स में हम सूर्य होता आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी स्टार। जी फिल्म ने कलेक्शन जिस तरह से कर रही है, फिल्म बहुत ही धमाकेदार कर रही है। 8 दिनों में इस फिल्म ने जो कारनामा किया है वो किया है 128.97 करोड़, यानी कि इस फिल्म ने 8 फिल्म कमाई की लगभग 10.06 करोड़, यानी कि 10 करोड़ के ऊपर। अब यहां पर शनिवार था, ऑक्यूपेंसी आई थिंक मैंने 13-14 करोड़ के आसपास दी थी, लेकिन जिस तरह से ऑक्यूपेंसी नजर आ रही है मॉर्निंग शो से, ये फिल्म आज 14 से 15 करोड़ के बीच में कलेक्शंस कर सकती है दोस्तों। जी हाँ, यहां पर इनसेन कलेक्शंस हो रहा है, हर शोज ऑलमोस्ट हाउसफुल चल रहे हैं नाइट के शोज, और इस तरह का रिस्पॉन्स सेकेंड वीक, वो भी शनिवार को, सेकेंड वीक शनिवार को, यानी कि किसी फिल्म के 90 दिन बहुत मुश्किल है देख पाना, खास कर अजय देवगन की फिल्म के। और यहां पर आपको बात बताना चाहता हूं, ऐसी बात जो आपको बहुत अच्छी लगेगी, कई सारे थिएटर्स स्पेशली महाराष्ट्र में ऐसे हैं जिन्होंने कई सालों बाद हाउसफुल बोर्ड देखा, कई सालों बाद एक अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी देखी, तो बहुत ही खुशी है। यानी कि महाराष्ट्र के जो थिएटर मालिक है, जो भी, उन सबकी चांदी सोना सभी चीजें हैं उनकी, चांदी चांदी जिसे हम कहते हैं ना, पैसे ही पैसा आ रहा है वैसा है। अब बात करते हैं ऑक्यूपेंसी की, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी लगभग 30% के आसपास थी, 20-30%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी लगभग 40% के आसपास रही, वो भी 38-40%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी लगभग 43-45% के आसपास रही, नाइट ऑक्यूपेंसी अभी तक क्लियर नहीं, लेकिन मैं दावे से कहता हूं नाइट ऑक्यूपेंसी इस फिल्म की 48-50% के आसपास होगी, उससे कम नहीं होगी। इन शॉर्ट जो एवरेज ऑक्यूपेंसी इस फिल्म की नजर आ रही है, वो भी इसके 90 दिन, वो 44-45% के बीच में आ रही है अक्रॉस द डे, और यहां पर फिल्म 14 से 15 करोड़ के बीच में कमाती नजर आ रही है। यानी कि इन शॉर्ट देखा जाए तो 128.97 करोड़ का पकड़ लीजिए 129 करोड़, और उसके हिसाब से अगर हम जोड़े तो ये कलेक्शंस 143 से लेकर 144 करोड़ तक जा रही है, यानी कि 143-144 करोड़ द फिल्म हैज बीन कलेक्टेड ऑन द वेरी 9th डे। आप कितना एक्साइटेड इस कलेक्शंस के एस्टिमेट्स को जानकर, ये रिस्पांस को जानकर जरूर बताइएगा, और माफ करना आज दिन भर काफी बिजी था तो वीडियो नहीं बना पाया उसके लिए। चलिए फिलहाल इतना ही।